ये है आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक, जिनसे कल यानी सोमवार को ईडी ने करीब 6 घंटे पूछताछ की। उनसे दिल्ली के शराब घोटाले केस को लेकर पूछताछ हुई। शिकंजा सिर्फ दुर्गेश पाठक पर नहीं बल्कि सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर भी कसता दिखा। उनसे भी ईडी ने करीब 4 घंटे तक सवाल जवाब किए। अपोजिशन पार्टी के नेताओं को चुनाव के वक्त परेशान किया जाए, उनके रिसोर्सेज को डाइवर्ट किया जाए ताकि वो चुनाव प्रचार ना कर सकें, सिर्फ इसी के अंदर वकीलों और कोर्ट के चक्कर काटते रहें, ये पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटजी है जिसके हिसाब से ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स काम कर रहे हैं। आतिशी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा जी का नाम दिया, तो मेरा मानना है कि जो दोषी है वो बचना नहीं चाहिए, हमारा ये स्टैंड।